तो सर आज का वीडियो मैं चाहता हूं कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर रखूं क्योंकि मैंने आपका चैनल काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूं तो वहां पर आप फाइनेंस से जुड़ी सारी बातों को आप बताते हैं राइट right. तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में भी हम थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के भी बारे में बात करेंगे mm -hmm. तो सबसे पहले आ, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स क्या है पर्सनल फाइनेंस के लिए पर्सनल फाइनेंस का मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जो आपके और मेरे जैसे लेमैन को अफेक्ट करें हमारे पर्सनल फाइनेंसेस ठीक रहे ठीक रहे ठीक है हम लोग फंसे ना और हम साथ के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें राइट right. फ्यूचर कैसे सिक्योर होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर सिक्योर होता है सो so, हमें एक राइट right बैलेंस बनाना होता है कि हमारी आज की जिंदगी भी ठीक रहे और आने वाली जिंदगी भी ठीक रहे है ना तो उसके लिए हमें एक बैलेंस बनाना होता है कि हम कुछ पैसा खर्चे के लिए रखें कुछ पैसा अपनी चाहतों के लिए रखें कुछ पैसा इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, करें, इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर की चाहते भी हम पूरी कर सकें सो सिंपल सा पर्सनल फाइनेंस का इनफैक्ट आपको हो सकता है ध्यान हो एक फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी रूल का हमने एक वीडियो किया था जिसके अंदर सिंपल है कि आप 50% परसेंट आप अपना नीड्स के अंदर पैसा खर्च करें नीड्स मतलब आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं जैसे कि आपका रेंट जा रहा है ठीक है आपके डेली के एक्सपेंसेस हैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस है या गाड़ी का खर्चा है तो ये सारे आपके 50 परसेंट में कवर हो जाने चाहिए आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग करिए जी ठीक है 30 परसेंट आपका वॉन्ट्स हो wants. सकते हैं यानी कि भाई मुझे आईफोन चाहिए तो आप आईफोन चाहिए तो दैट इज ओके बट उसके लिए सेव कर लो ठीक है छः महीने सेव करो फिर उसे खरीद लो ठीक है या कोई भी अच्छा फ़ोन खरीदना है तो ये वॉन्ट है आप वेकेशन पर जाना चाहते हो ठीक है बहुत लोग लोन लेके वेकेशन पर चले जाते हैं ठीक है भैया आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट अगर आप प्लान कर सकते हो उसको ठीक है और उसको आराम से पे कर पाओ मतलब आपका हिट नहीं होना चाहिए फाइनेंस हिट ना हो ठीक है लेकिन कोशिश करो कि ये चीजें लोन पे ना हो तो बेहतर है ओके okay. हाँ। और बाकी का ट्वेंटी परसेंट तो एटलीस्ट सेव और इन्वेस्ट जरूर करो तभी आप अपना बाकी का आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं जैसे बहुत लोगों की आजकल प्राइवेट जॉब्स हैं ठीक है पहले तो पेंशन होती थी तो आदमी सोचता नहीं था उतना hmm. आजकल मैक्सिमम जॉब्स प्राइवेट हैं और ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा आप देख रहे हो कि आजकल सारी की सारी कंपनीज़ पब्लिक ही हो रही हैं गवर्नमेंट कंपनीज भी पब्लिक होती जा रही हैं है ना तो ये प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें हमें खुद से ही अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना चाहिए सो ये मस्ट है मतलब ट्वेंटी परसेंट तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना ही चाहिए